गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड केयर। मैं हूँ प्रिया और आज मैं लेकर आई हूँ आपको होममेड सीरम के बारे में, जो आप यू नो आराम से अपने घर में सिंपल इंग्रेडिएंट से आप अच्छे से बना सकते हैं, जो केमिकल फ्री हो है और जो आसानी से यू नो चीज़ें मिल जाती हैं उससे हम बना सकते हैं। यू नो उसका बेनिफिट्स इतने सारे हैं कि आपको क्या बताऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको केमिकल फ्री पा सकते हैं, सेकंड में आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं, थर्ड में आप इसे यू नो 1 वीक के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और फोर्थ में आपको बताऊँ ये आप यू नो लाइक फेस मेकअप से फेस प्राइमर के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इतने सारे बेनिफिट्स से भरपूर है ये, और इसके बेनिफिट सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि नेचुरल चीज़ें हैं जिससे आप यू नो लगाएंगे आपके फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेंगे, और ये यू नो पिंपल से भी आपको हेल्प करेंगे और मॉइस्चराइज करेंगे फेस को, और आपके जो स्पॉट्स हैं उसको भी रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये सीरम बाहर के मार्केट से तो आप आसानी से अवेलेबल हैं, वो आप परचेस कर सकते हो। थोड़ी कॉस्टली होते हैं पर अगर आप यू नो सिंपल सी चीज़ों से आप उसे बना सके ऐसा ये सीरम है। तो आप इसे मैं बनाने का मेथड बता देती हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो बता देती हूँ, और सिंपल सी क्या क्या चीज़ें आपको पड़ती है फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो, तो आप लोग इसे देख के ही पहचान गए होंगे ये क्या चीज़ है। तो ये विटामिन ए कैप्सूल है जो आसानी से मेडिकल स्टोर पे किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है आलमंड ऑयल की। आलमंड ऑयल आप नहीं घर में आलमंड यू नो बादाम आपके अवेलेबल हो तो आप उसके भी उसका भी तेल यूज़ कर सकते हैं। और उसको बनाने का सिंपल मेथड होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और नारियल के तेल मिक्स करके थोड़ा सा तल लीजिए और बारीक पेस्ट बना लीजिए, या फिर उसको क्रश करके यू नो उसका ऑयल निकाल भी सकते हैं। तो सिंपल से मेथड है, आपको नहीं पता है तो वो भी मैं अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आलमंड ऑयल बनाया जाता है वो भी मैं मेथड बता दूंगी आपको। फ़िलहाल जो मैं सिरम बना रही हूँ उसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है विटामिन ए कैप्सूल की और आलमंड ऑयल की, एंड नेक्स्ट हमें ज़रूरत पड़ने वाली बन सके एंड एलोवेरा की। तीन चीज़ों से आज हम बनाने वाले हैं अपना सीरम। तो फटाफट देखते हैं इसका मेथड कैसे है बनाने का तरीका। तो हमने लिया हुआ है यहाँ खाली बाउल और हमें इस बाउल की ज़रूरत है, तो मैं इसमें एलोवेरा डाल देती हूँ। एलोवेरा यू नो लाइक 2 स्पून के करीब 1 वीक के लिए हमें ज़रूरत है, तो 2 से 3 स्पून के करीब आप एलोवेरा ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एलोवेरा ले रही हूँ। लगभग मैंने 2 स्पून के करीब एलोवेरा ले लिया है इसमें। अब मैं इसमें यू नो विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी। मैं कम से कम 2 विटामिन ई का कैप्सूल इसमें यूज़ करूँगी। तो हम इसे कट करके निकाल लेते हैं। कट करने का तरीका सिंपल है, जैसे आप इसे किसी भी पिन से या सुई से होल करके या कैंची से कट करके भी निकाल सकते हैं इसमें आराम से। इस तरह की कैप्सूल्स आती है विटामिन की कैप्सूल जो इजीली अवेलेबल होती है यू नो किसी भी मेडिकल शॉप पे। तो अब हम इसे कट करके डाल लेते हैं इसको। सेकेंड जो कैप्सूल हो गए इसमें आलमंड ऑयल भी मिला देते हैं, जो मेरे पास दिव्य बादाम रोगन का है। आपके पास जो भी इजली अवेलेबल हो आप उसे परचेस कर सकते हैं। फोकस
नहीं कर रहा फोकस। चलो कोई बात नहीं, मैंने जैसे बताया आपको बादाम रोगन और तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप इसे स्पून की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं, हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं, अब जैसे भी है आपको लगे इसे आप मिक्स कर दीजिए। देखा आपने कुछ कलर चेंज हो गया है, लाइक सीरम जैसा आप यूज़ करते हैं उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही आता है। तो ये रेडी है होममेड सीरम, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आप अच्छे से आप सीरम बना सकते हैं। और मेरे पास एक कोई भी कंटेनर आपके पास हो कांच का हो तो मच बेटर, या प्लास्टिक का भी होगा तो चलेगा। मेरे पास ये खाली एक कंटेनर थी फेस मैजिक की लैक्मे वाली जो खाली हो गई थी इसकी क्रीम, तो मैंने इसको धोकर अच्छे से रख लिया। तो अब मैं इसमें ही सीरम बना के यूज़ कर लेती हूँ। मेरा लास्ट टाइम का सीरम फिनिश हो गया तो अब मैं इसे आप लोगों के लिए बना रही थी तो मैंने दिखा दिया। अब मैं इसमें स्टोर करके इसको कूल जगह पे रखना है, ठंडी जगह पे, तो अब इस कंटेनर में हम इसे भर के रख लेंगे। आप इसे हाईली 1 वीक के लिए स्टोर करके रखें और नेक्स्ट वीक में आप खुद फिर से बना सकते हैं। यू नो लाइक 1 वीक काफ़ी होता है एक किसी भी उसके लिए, तो ये मेरे ख्याल से परफेक्ट होगा 1 वीक के लिए। इसे कूलिंग जगह पे फ्रिज में या इसे ठंडी जगह पे स्टोर करके रख दीजिए। जैसे देखा आपने कितना सिंपल मेथड था इसको बनाने का, तो मैंने इसमें फिल करके रख लिया है और ये कितना सिंपल था और आराम से बन गया है। आप इसे यू नो मेकअप करने से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करते ही हैं तो आप इसको ही यूज़ करके देखिए। आपको यू नो कोई भी प्रोडक्ट हार्श में नहीं पहुँचाएगा अगर इसकी लेयर लगी रहेगी फेस पे। आपके यू नो ये फाउंडेशन वगैरह हम लगाते हैं तो उससे पहले हम अपने फेस पे कोई भी प्राइमर यूज़ करते हैं या अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं, तो आप इसको लगा के देखिए। आप इसे नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे आप मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, आप किसी भी टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कोई भी यू नो आप जैसे मेरी प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो मैं हमेशा केयरफुली रहती हूँ कि हमेशा ध्यान देके रहती हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट ना हो किसी चीज़ की। तो मैं ऐसे प्रोडक्ट ही यूज़ करना पसंद करती हूँ जो इजीली अवेलेबल हो मार्केट में और आसानी से मिल जाए और मेरे चेहरे को आश भी ना पहुँचाए। तो मैंने सिंपल क्रीम से ये सीरम बनाया है। हाँ ये थोड़ा डार्क है, आप इसे और लाइट कर सकते हैं अगर आप इसमें यू नो लाइक रोज़ वाटर भी मिक्स कर सकते हैं अगर आपको लाइट में चाहिए। अदरवाइज़ ये स्ट्रक्चर्स का ठीक है यू नो, तो आप इसे लगा सकते हैं। आप लगा के देखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहा आपके लिए इसका एक्सपीरियंस। मैं डेफिनेटली श्योरली कह सकती हूँ अगर इसके अलावा आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे तो आपका चेहरा हमेशा हाइड्रेट रहेगा, आप मॉइस्चराइज रहेंगे और कोई भी यू नो आपके चेहरे पे पिंपल वगैरह या जो भी स्पॉट्स पिंपल के स्पॉट्स हैं या स्कार्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी गायब हो जाएंगे। तो आप हमें बताइएगा कैसा रहा इसको लगाने के बाद है आपका एक्सपीरियंस। तो वैसे ऑलरेडी मैं मेकअप पे हूँ तो मैं इसको हैंड पे ही लगा के आपको दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा कोई ये नहीं है कि ये तुरंत यू नो ड्राई भी हो जाता है ऐसा नहीं, जो पर आपका हैंड हमेशा मॉइस्चराइज रहेगा, आपकी स्किन हमेशा ग्लोइंग करेगी, शाइन करेगी और जो भी स्पॉट्स होंगे वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। आप इसे यूज़ करके देखिए और हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड भी हमेशा खुश रहिए।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।